हेलो गाइस, दिस इज गांव की नोनी एंड गांव के बॉयज। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पहाड़ी एजेंट बाबा में फिर से एक बार नए व्लॉग के साथ। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम 7 बजे से, और फिलहाल हम आए हैं यहाँ सड़क, और ये हमारे साथ इधर की साइड बैठे हैं। मैं दूर इसलिए आया क्योंकि वो मुझे व्लॉग बनाने नहीं दे रहे थे, शुरुआत करने नहीं दे रहे थे, तो मैं इसलिए थोड़ा आगे आकर व्लॉग बना रहा हूँ। तो चलते हैं उनके पास और देखते हैं आज का प्लान क्या है, और आपको बताते हैं हम किस लिए आए हैं सड़क पर और हमारा क्या प्लान है और क्या चल रहा है वहाँ। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्ट वहीं पर ले जाते हैं और मिलाते हैं आपको दोस्तों से। और दोस्तों, ये हमारे गाँव के लड़के और ये बर्थडे बॉय। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे लड़के, और ये है अजीत भाई, और एक गौरव जिसका आज बर्थडे है, और ये शुभम भाई, और ये नितिन। बर्थडे की खुशी पर यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी गौरव की तरफ से। देखते हैं क्या क्या लाया रखा है गौरव ने पार्टी के लिए। फिलहाल पार्टी करते हैं और ये उसे गिफ्ट वीडियो एंजॉय करें। कुछ यहाँ डाल बस अलग बस दिक्कत। और ये भूतों के लिए चढ़ाया किनारे पे ताकि यहाँ कुछ असर न पड़े भूतों का, और इसलिए भूतों के लिए अलग रख दिया है जो कि हमारे गढ़वाल में रखते ही है हर लोग, हर व्यक्ति। और इसमें पता नहीं क्या लग चुका है इसमें हमारे मट्टू भाई ने। अरे रुक जा रहे हैं, बहुत चुप है। जा जा लंबो आ और दोस्तों, हो चुकी है पार्टी। अजीत भाई ने कितने मोमो खाए? 4 यार रुपए बैठे गए थे, कल कमरा तोड़ रख दे रहे भाई की मां। 2 मोमो। और नितिन ने कितने मोमो खाए? 6 सेठ से भर 400 18। यस, मैं नहीं गए, मैं नहीं गए मोमो तुम नहीं, तो मन गया नहीं, चल भी नहीं गया मुझे। ये ले, और ये थी एक छोटी सी पार्टी बर्थडे की कटहल की तरफ से। और दोस्तों, पार्टी कर लिया, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के गपे लगाएंगे। आपस की बातें बताई नहीं जाती तो आपको नहीं बताएंगे, हम आपस की गपे लगाएंगे और मिलते हैं बाद में, चलिए। और दोस्तों, यहाँ पर खा रहे थे हमें मच्छर काफी, इसलिए हम जा रहे हैं आगे की ओर और बैठेंगे अब स्टेशन में, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आगे। फिलहाल अब मैं आपको मिलूंगा डायरेक्ट घर पे ही, घर पे देखते हैं क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या बनेगा आज आपको बताएंगे, चूल्हे वाला खाना कैसा बनता है। चलिए, ओके, बर्थडे बॉय, बाय। और दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम घर, और यहाँ पर बन रही है ताई लोगों की सब्जी अगेठी में। पहले करेंगे हम पूजा, मुँह हाथ धुलते हैं, फोकस नहीं आ रहा, मुँह हाथ धुलते हैं और पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बन रहा है आज खाने में और आपको बताएंगे हमारे पहाड़ की चूल्हे की सब्जी और चूल्हे की रोटी कैसे बनती है। तो चलिए पहले मुँह हाथ धुलते हैं। दोस्तों, फिलहाल कर लिए हमने थोड़ी बहुत पूजा, जो हमारी रात की पूजा होती है, दिया बालते हैं जो गांव में, शहरों में, हर जगह बालते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक शिवलिंग लेके आया हूँ, तो आपको दर्शन कराता हूँ पहले हमारे प्रभु जी के, शिवलिंग के, महादेव के, तो उसके बाद दिखाता हूँ आपको हमारे चूल्हे में क्या बन रहा है। पहले करते हैं शिवलिंग के दर्शन। हम नीचे, और यहाँ पर दादी बैठी हुई है, आए कर इन कर। हाँ,
और अब हम देखेंगे कि हमारे चूल्हे में क्या बन रहा है और आपको दिखाएंगे चूल्हे की रोटी। चलो, और ये हमारा चूल्हा अगेठी, गर्मी के टाइम में बाहर लगता है और सर्दी के टाइम में अंदर। और यहाँ पर मम्मी रोटी बना रही है, हाय कर दे एक बार इन। और ये हमारी ढाबड़ी रोटी को देगी, ये आटा पहाड़ों में मिलता है, ज्यादातर पहाड़ों में मिलता है, मिलता नहीं उगता है, उगता है हाँ, उगाते हैं, खेती कर रहे हैं। और ये फिलहाल यहाँ पर रोटी बन रही है अंगारों में, और अंदर देखते हैं सब्जी किस चीज की बनी हुई है। दूध गरम हो रहा है। और ये सब्जी हमारी, और ये है कद्दू की सब्जी, अमृत जिसे कहते हैं, सीताफल। और यहाँ पर कुछ स्टोर कर रखी हैं लकड़ियाँ, काफ़ी टेस्टी लग रही है, खा के भी बताऊँगा कि कैसी हो रही है सब्जी, खाएंगे बाद में, पहले रोटी बनेंगी उसके बाद। और इधर की साइड दूध गर्म हो रहा है, पहले आम खाएंगे उसके बाद दूध पियेंगे ताकि हमारी सेहत बनी रहे मेरी जैसे। और ये संदूक, इधर थोड़े आम रखे हैं घर के आम। और इधर की साइड ताई बना रही है खाना। और इधर गेहूं की रोटी बन रही है, और हमारी बन रही है मंडवे की रोटी, कोदी की ढबड़ी रोटी जैसे बोलते ना हमारी गढ़वाली माँ। फिलहाल देते हैं रेस्ट और मिलते हैं आपको बाद में जैसे खाना खाते हैं। चलिए दोस्तों, और गाइस 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 खाना खाने से पहले हमारे यहाँ पर मोमोज नैन दीदी की तरफ से पार्टी छोटी सी। और यहाँ पर ताई खाना खाने भी लग गई, ताई मोमोज नहीं खाती इसलिए वो खाना खाएंगे और हम खाएंगे मोमोज, तो खाते हैं मोमोज फिर से। और दोस्तों खा लिए हमने मोमोज, और खाना खाने चलते हैं और देखते हैं खाने का स्वाद कैसा आता है। कद्दू की सब्जी, अमृत, सीताफल जिसे कहते हैं, तो लाते हैं अपने खाना और खाते हैं। और दोस्तों ये हमारी खाने की प्लेट, ये डबड़ी रोटी, और ये हरी सब्जी, कद्दू की सब्जी, सेमिया और आम, इनको खाते और इंजॉय करते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा होता है बाद में, खाने के बाद बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल लिया आपने दोस्तों डिनर, और आज का खाना तो आपने देख ही लिया क्या गया था, तो खाने का टेस्ट जो था काफ़ी सुंदर, आप समझ सकते हैं पहाड़ों का खाना, ढाबड़ी रोटी मतलब जिसे हम कोदा कहते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आता होगा तो मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देखकर समझ आ जाएगा कि क्या होता है वो, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा खाने का। तो अब हम सोएंगे, सोने की तैयारी है क्योंकि आज काफ़ी थकान लग चुकी है देहरादून से आते आते, लंबा रास्ता था वैसे तो, लेकिन हॉल लंबा बना दिया जो हमारे लैंडस्लाइड हो गई तोता घाटी में, काफ़ी पुराना रास्ता है, काफ़ी बार टूटता है, तो वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटी सी क्लिप दूंगा, उसे देखिए कि कैसे ऊपर से पहाड़ गिरा। वो वीडियो भी ग्रुप में आई थी हमारे गांव के ग्रुप में, मेरे गांव खल्लू ग्रुप है गांव का। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, लास्ट में क्लिप देखिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू, और साथ साथ जय शंकर महाराज। मैंने कह दिया था वीडियो बनाए वो लाइव, ये पूरा आएगा।